असलकम वाला वर्का जी मेरा नाम शावी बिन शजाद मुबीन है मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ कुरान एकेडमी में तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दी तालीम शुरू करी है तो कोई लोग मुझे कहते कि तुमने गलत करा दीनी तलीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी ख़त्म कर दी तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब का सवाल है कि वो स्कूल में पढ़ते थे स्कूल में छोड़ के अभी दीनी तालीम पढ़े डॉक्टर साहब सब के मदरसे में पढ़े कुछ लोग कहते हैं उन्हें गलत किया है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है अहम सवाल है तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्द है चाहे मर्द हो या औरत हो या अल्लाह के रसूल के हदीस है अल्लाह ताल फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इखरा पढ़ो तो पढ़ना फर्ज है लेकिन इल्म दो किस्म के होते फर्ज इल्म एक होता है मुस्त एक होता है मुबा एक मकर हराम अलग किस्म के जो फ़र्ज़ दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फ़राज और हराम ये जानना हर मुसलमान का फर्ज है हर वाले का फर्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए ये फर्द नॉलेज है फर्द इल्म क्या है जो बेसिक इस्लाम के तालीमत है फाइव पिलर्स है इस तरीके से नमाज पढ़ना रोजे के बारे में जक़ात के बारे में हज के बारे में ये बेसिक ऑफ दीन नॉट हाई लेवल बेसिक ये हर मुसलमान के लिए फर्द है हर वालदे का फर्द है कि बच्चे को सिखाए ये मुसलमान वालदेन भी नहीं जानते अमेरिका भेजेंगे दीन की बेसिक नॉलेज दे देंगे बाकी इल्म आता है मुस्तब मुस्तब इल्म वो है जो बेहतर है करें तो अच्छी बात है फर्ज नहीं है मिसाल के तौर पर कंपेटिव रिलीजन फर्ज नहीं है लेकिन बेहतर है मैं मेरे बेटों को शरिया में भेजा या इमाम में फर्ज नहीं है लेकिन मुस्ताब है आने बनाना अच्छी बात है सबसे अच्छी बात है फर्ज नहीं है फुल टाइम नहीं बनना फर्ज नहीं है पार्ट टाइम फर्ज है फिर वो दुनियावी इल्म, मतलब वो इल्म जिससे आप दुनिया के बारे में जाने या दुनियादारी कर सके या पैसा कमा सके समझे? ये आप बोलेंगे हो सकता है मैथमेटिक्स ज्योग्राफी, साइंस हिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो सकता है ये इल्म फर्ज नहीं है लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते मुस्त भी हो सकता है मुबा भी हो सकता है ऑप्शनल मकरूब भी हो सकता है हराम भी हो सकता है ये इल्म आप केमिस्ट्री सीखते हैं और सीख जाते किस तरीके से शराब बनाना तो ये इल्म हो गया हराम आप केमिस्ट्री गए किस तरीके से मेडिसिन बनाना अच्छी बात है ये मुस्ताब हो गया नहीं? अच्छी चीज है एनकरेज आप केमिस्ट्री सीख के हलाल कमाई कमाते अच्छी बात है तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते ये दुनियावी तालीम का इधर मुस्तब होएगा या मुबा ऑप्शनल मकरू डिस्करेज या हराम लेकिन अगर आप अच्छे दाई बनना चाहते हैं आज की तारीख में तो दुनियावी इल्म भी इंपॉर्टेंट है दीन इल्म से नहीं तो मेरे बेटे ने हमने स्कूल कायम की इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल बचपन से मेरे तीनों बच्चे दो तो बेटियां एक बेटा फारिक हमारी स्कूल के दो जबान हैं इंग्लिश अरबी तो किंडर गार्डन से हमारे बच्चे अरबी भी सीखते अंग्रेजी भी सीखते और तकरीबन तकरीबन 60 परसेंट पीरियड है वो इंग्लिश में 40 परसेंट अरबी में या 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट इंग्लिश फोर्टी टू फोर्टी फाइव अरबी जबान में तो कुरान की तलावत अरबी जबान में अरबी जबान में तोहिद अरबी जबान में उर्दू में नहीं इंग्लिश में नहीं और इंग्लिश में इस्लाम दावती काम के लिए जब तक उनने ए लेवल किया हमारे स्कूल में ए लेवल है यानी बारहवीं क्लास डिग्री आती है फ्रॉम आई जी सी एस सी कैम्ब्रिज उस टाइम तक के अरबी भी पढ़ा और तालीम हासिल की अरबी और इंग्लिश में उर्दू कमजोर है मेरी बेटी की मेरी भी कमजोर है उसके बाद वो रियाद गए इमाम में इमाम मोहम्मद बिन साउथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी वहां सिर्फ अरबी में पढ़े अरबी का डिप्लोमा किया उसके बाद बैचलर्स किया सात साल थे वहां सिर्फ अरबी में अंग्रेजी पढ़ी नहीं उसके बाद मास्टर्स किए मलेशिया में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया वहां उनको चॉइस था अंग्रेजी में भी कर सकते थे अरबी में बोलते अंग्रेजी तो पता मुझे अरबी पे तो मास्टर्स भी अरबी में किया अब इंशाल्लाह पीएचडी की तरफ जाएंगे तो ये इल्म जो हासिल कर रहे हो और उम्दा इल्म ये मुस्तहब है रहा सवाल आपके बारे में आप स्कूल में थे स्कूल में छोड़ के डॉक्टर इसार अहमद का मदरसा ज्वाइन किया मुझे पता नहीं अभी आप किस में एडमिशन ले अंजुम करा अल कुरान कुरान अकेडमी अभी तक विजिट किया ने में नाइनटीन वन में किया था जहाँ तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी दीनी भी और दुनिया भी तो आप जो अभी स्कूल में पढ़ रहे वहाँ दीनी दुनिया दोनों तालीम होती या सिर्फ दिन की होती अभी वो इस्लामियत भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर फुल टाइम नहीं सिर्फ कुरान पढ़ाते उसके घंटे के अंदर इस्लामियत पढ़ाते हैं वो आप कौन से ग्रेड में अभी कर रहा हूं मैं। कौन से ग्रेड? ऐसा कुछ नहीं अभी seventh. Seventh में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते कई कोर्स है कई बच्चे क्या करते पढ़ाई छोड़ते दो साल में हिस्स कर लेते अच्छी बात है गलत बात नहीं पढ़ाई करते रहते छोड़ते तीन साल में सिर्फ हिफ करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते ये गलत नहीं ये हराम नहीं अच्छी बात है आप हिफ़्स कर रहे लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको हमारे स्कूल में मुंबई में जो मैं कायम किए उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल माशाल्लाह बहुत डिमांड है लाइन लगती है हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए तालीम दोनों जहां के लिए वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं हमारी जो डिग्री आएंगी पास होंगी तो यूके से आएंगी कैम्ब्रिज से कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है मुख्तलि मुमालिक में हर साल टेन थाउजेंड पास होते हैं सबसे फेमस है तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री अगर पास होंगी तो आप कहाँ भी तालीम ले सकते दुनिया में सबसे रिकग्नाइज है लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास हदी शरीर फिक अरबी में हमारे स्कूल का जो मैार है आमतौर के ऊपर पचास बच्चे पे एक टीचर होता है ना हमारे स्कूल में चार बच्चे पे एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर दो बच्चे पे एक स्टाफ तो अगर हमारे पास चार सौ बच्चे हैं। स्कूल में तो स्टाफ होती थी दो सौ ये मैं था इस पढ़ाएंगे आम मदरे में एक उस्ताद के साथ दस दस पढ़ते बीस बीस कहीं कहीं तो तीस हमारे वहां एक उस्ताद दो बच्चे मैं दुनिया भर घुमा लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए म्यूजिक सुनते ना म्यूजिक क्लासेस हरा में तो उनके लिए क्यूबिकल बनाए मैं देखा मैं जब गया अमेरिका में वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल मतलब कांच के कांच के खाने कमरे साउंड प्रूफ पहली बार देखा मैं म्यूजिक सीख रहे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हमारे बच्चे चीखते एक उस्ताद चालीस बच्चे चीख रहे तो मैंने क्या किया मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना दस क्यूबिकल बना दिया हमारे एक क्लास में बीस बच्चे दो दो बच्चे एक एक क्यूबिकल में एक एक उस्ताद जाओ चिल्लाओ नो प्रॉब्लम साउंड प्रूफ जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं तो हम क्या कम वक्त में हम हिज ज्यादा करते तीन साल में चार साल में एक एक घंटा सुबह हाफिज बन जाता है साथ में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते फिफ्थ में पास हो चार साल वो बच्चा जो हिज करता है वो सुबह में सवा घंटा पहले आता है दो दिन छुट्टी होते छुट्टी के टाइम पे दो दिन में से आधा दिन आता है लेकिन एक उस्ताद और दो बच्चे क्यों मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है हजार उस्ताद चुनेंगे तो शायद तीस बार निकलेंगे एकदम बराबर से मखार छाए होना चाहिए तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग इस तरीके से पब्लिक में बात करना चार साल की उम्र से हमारे स्कूल के चार चार पांच पांच साल के बच्चे मजमाए ना इससे बड़े मजमे में बात करते हैं माशाला छोटे माशार। छोटे बच्चे चार साल के पांच साल के इंग्लिश शुरू होते है चार साल से अरबी पब्लिक स्पीकिंग छह साल से जब मैं इंडिया में शुरू करने गया हमारे बोलते है अरे ये तो मुमकिन ही नहीं तो क्यों नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता अरे दुआ तो करो दुआ करने के लिए तैयार नहीं हमारे बच्चे जब फारग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ हमारे तो एकदम फंसी अरबी अरबी एकदम फंसी जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते रहे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है सऊदी में पढ़े क्या हम है भाई बम्बई में पढ़े हमारे अक्सर उस्ताद फारिक से मंदिर यूनिवर्सिटी से जामत इमाम से कुशतिया अजहर से उमदा उस्ताद तो तालीम दोनों जहाँ के साथ साथ और हमारे स्कूल सा� के अंदर स्विमिंग कम्पल्सरी मार्शल आर्ट कम्पल्सरी पांचवी तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट लड़का भी ब्लैक बेल्ट लड़की भी ब्लैक बेल्ट लेकिन एलाइदा लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर लड़का ने यहां तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है वो <laughs> तो मुझे बुलाए थे इन लोग ने इस्लामाबाद में इसने मुझे दावत दी बोलते यतीम बच्चों को मिलो मैं बोला ठीक है मैं बहुत बिजी था दस मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए वो यतीम बच्चे तो पीछे थे सब फोटो सेशन आ गए मैं बोला क्या हो रहा है मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा तकरीर करने लगा है मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा तकरीर खत्म हो गई तो खवान मैं खातीन ही नहीं बोलूंगा भाई बालिक थे सब स्टेज के ऊपर आ गए मैं बोला क्या हो रहा है ये बच्ची है मेरे बच्ची है मेरी बेटी है ये किधर का तस्वूर है लड़की जब बालिक हो जाती है तेरह साल चौदह साल पंद्रह साल आप उसको छू भी नहीं सकते मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं सडनली पूरी फौज जा आ जाती है लड़की रोक के। मालिक साहब पंद्रह साल की चौदह साल की सोलह साल की ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में मुझे ताजुब लगा सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया वो बच्चियों से नहीं मिला पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को आप लोग बोलना चाहे माशा क्या दाई है लड़कियां तो उतर गया लोग बोलते रहे बच्चे से नहीं मिला वो ऑर्फनेज का जो मालिक था डॉक्टर साहब भी मेरे बच्ची है मैंने बोला तुमको भी छूना आराम है तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायजे ये किधर का माशरा बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम बेटी बोलो नो प्रॉब्लम आप ना बालिक ना मेरम को छू भी नहीं सकते और ये पाकिस्तान में हो रहा है इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना वो एहतराम करते हिंदू जब मुझे बुलाते तकरी करने के लिए एहतराम करते जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते दूर रखेंगे इस्लामाबाद में गया वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने मैं पीछे जा रहा हूं वो मेरे पे चढ़ी मैं पीछे जा रहा हूं क्या हो रहा है अरे अब डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे मुसलमान है क्या हो रहा है बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती शरीयतन हराम है जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहां के बोलते ये आम है हमारे माशरे में आम है हराम है आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई है मैरम को आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते आपको छूने का हक नहीं है बेटी बोले नो प्रॉब्लम मैं भी बेटी बोलूंगा ये तो सब क्या हो रहा है अरे दीन के आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप ना महरम को छूने के बनस्बत अगर आप खिला ठोकेंगे आपके सिर पे वो बेहतर है सही हदी से आप खिला ठोकेंगे सिर पे वो बेहतर है बनस्बत महरम को छूने के और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया डॉक्टर आकिर ने सही क्या क्या गलत किया ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है मोदी मीडिया क्या हो गया है। मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे वो मैं से मोहब्बत करते मुझे तकरीर के लिए बुलाते एहतराम करते और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान भेस कर रहे जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया सही क्या क्या गलत किया अल्लाह हिदायत दे अल्लाह हिदायत दे कुछ लोग ने दिफा की मैं क्या हो रहा है ये तो दीन का बेसिक है क्या आप नाम मेरम को छू नहीं सकते अगर बालिक लड़की है तेरह चौदह साल के ऊपर है खलास तो ये बेसिक तालीम है ये तालीम फर्ज है अमेरिका भेजना चाहते अरे बेसिक तालीम है दीन में क्या नाम मेरम को छुओ मत पैसे वाले है पैसा फेंक के गरीबों में बांटते और क्या छू सकते क्या आप उनको लाहौल वाला बेसिक चीज पता नहीं मैं एक मिसाल दूंगा जामे की डॉक्टर याहिया जामे जिसका जैम्बिया का प्रेसिडेंट उन्हें मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए नेशनल डे के लिए और मैं चीफ गेस्ट था वो स्टेज पे थे उनकी बीवी लेफ्ट पे थी वो स्टेज पे थे मैं राइट पे था और सारे एम्बेसडर्स थे कई ममालिका फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए प्रेसिडेंट के पहले मैं था पहला अंबेसडर यूएसए का खातून थी स्टेज पे चढ़ी हाथ आगे की मैंने बोला सॉरी मैम इन इस्लाम अलाउड टू शेक हैंड्स, फिर मर्द अंबेसडर फिर फिर से खातीन है वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया आज डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर ने कि वहां खड़े रहो राइट के ऊपर कोई भी खातुन बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है आप सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के मौके पे वो प्रेसिडेंट है मैं चीफ गेस्ट हूं सब एम्बेसडर है जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने पता चला उनको फट से बोले मेरे सामने फॉरन मिनिस्टर आ गया सॉरी मैम प्लीज डोन्ट शेख इससे डरना भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूँ और ये तो अच्छा था माशाल्लाह इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेडर की तोहन की क्या करूंगा तो मुझे पता नहीं अमेरिका के अम्बेसडर की तोहिन की जेल में डाल देंगे भाई क्या हो रहा है ये तो बेसिक तालीम है आपका सवाल है ना बेसिक तालीम ये है क्या भाई ना मैरम से हाथ नहीं मिलाने का छूने का नहीं माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब इधर के वो मुझे बोले भाई आज ही बोले अब भी आज का प्रोग्राम आने के तो माशरे में कॉमन है मैंने आपकी बात सुना ना जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया मैंने बोला माशाला उतना तो किए इसको बोलते अमल करना मालूम पड़ गया तो अमल करो आप देखिए कभी भी मैं फोटो भी कोई खातन मैरम बीच में तो अलग बात है मैरम नहीं तो नो भाई चाहने वाले बहुत है लेकिन चाहने वाले है लेकिन उसूल को मत तोड़ो आप सोच सकते हैं कि एंकर लेडी एंकर और सब टूट कर रहे बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है बोथ बेस्ट है बहुत हमारे स्कूल में बच्चे बच्चे हिंदू से बात करते हमारे स्कूल के बच्चे छठी के सातवीं के हम उनको वेदा सिखाते छट्टी से वेदा सिखाते बाइबल सिखाते भगवत गीता सिखाते कहीं के लिए दावत देने के लिए ढंगे की चोट पे दावत हम हिंदुस्तान में के और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह मैं बाहर हूं काम जारी है काम जारी है और वल्ला ही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे हिंदू आपकी इज्जत करेंगे इज्जत करेंगे जाएंगे अरे पैसा ही ले दे मुझसे अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे आपसे पैसा लेंगे हमको श्राप मिलेगा श्राप मतलब अल्लाह का फटकार श्राप हिंदुज में बोलते बदवा अल्लाह ऐसा बोलते इतनी इज्जत करते ये जो ब्रिटिशर आके आपस में झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है झगड़ा करो दावत करो अमन करो फैलाओ तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है, है नई नहीं, नहीं 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 बोलता हूं है बहुत कम है ये पॉलिटिशियन लोग अंगार लगाते हैं झगड़े हो तो उनका वोट बैंक मिलेगा मैं जाता हूं तकरीर करता हूं बाइबल के लोग इतने खुशी खुशी कोई दुकान में घुस गया मुझे पैसा लिया तो पैसा ही नहीं लेते वैसे पैसा ही नहीं लेते मुझे भगवान का शराब पड़ेगा तो आपके पीआई के सीओ क्या हालत है क्या हालत है फर्क देख रहे हैं आप दीन को आप फैलाओ अरे उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे कुछ लोग सब लोग नहीं माशाल्लाह मेरी फैन फॉलोइंगे तो कुछ कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूँ कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता हूँ मैं ना और यह मालूम पड़ता है उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हूँ तालीम दोनों जहाँ के लिए बेस्ट है तो मेरे नज़दीक अगर कोई बच्चा निकल के दो साल हिस्स करता है तो गलत नहीं हराम नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि साथ साथ करें तो देर नो डिसकनशन अगर आप भारत चाहते हैं दाई बनना चाहते हैं तो दोनों इल्म हासिल करो और आप कुरान को अच्छी तरह से समझ सकेंगे मैं क्योंकि डॉक्टर हूं मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूँ कुरान में और समझता तो ईमान बढ़ता है जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है चाहे अंग्रेजी हो चाहे जर्मन हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो वो इल्म सही इल्म है अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा हमारे बच्चे

दो साल करके हिस्स करना हराम नहीं है जायज़ है लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है कई मुझे कई इल्तिजा मुझे आए भाई स्कूल कायम करो स्कूल कायम करो लेकिन स्कूल कायम करना आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है मैंने फर्द किफा किया था मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए लेकिन ऐसे स्कूल में जो इनशाला मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूं आपके बारे में जिक्र करूंगा मैं जब जाऊंगा लाहौर यहाँ के उनके मुझसे मिला लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे इन लोग लेकिन अफजल जो यहाँ के साथ साथ लो और बहुत से टेक्निक आज टेक्निक कितने बदल गए राइट टेक्नोलॉजी आप हिफ्स दो महीने में कुरान पूरा कर सकते मैं लेकिन उसको उसके लिए अलग होते हैं। हम दो महीने में पूरा कुरान हिंस कर सकते हैं लेकिन जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूलेंगे तो हमने वो कोर्स इख्तियार किया एक बार इस्तेमाल किया फिर बोले नहीं ये सबसे बेस्ट नहीं है ये कोर्स मक्का मदीना में होता है दो महीने में पूरा कुरान हिंस कराते लेकिन फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करने पड़ता है वक्त उतना लगता है तो हम बोले नहीं हमारा दो साल तीन साल सही है लेकिन साथ साथ हम मार्शल आर्ट्स स्विमिंग फुटबॉल सब करते हैं क्रिकेट हमारे तो स्कूल में ममनू है हराम ने ममनू क्रिकेट वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे तो इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट के पीछे दीवाने हराम ने मैं प्रेफर कर दूँ फुटबॉल डेढ़ घंटे एक घंटा खेलो पूरी वर्जिश बेस्ट हॉकी खेलो बास्केटबॉल खेलो हैंडबॉल करो तो आपने अगर कर, कर लिया तो कंटिन्यू करो अभी इन अगर दोनों साथ में करें तो और बेहतर है लेकिन अकेला करना गलत नहीं है होप द आंसर द क्वेश्चन